हाय गाइस, तो अभी हम लोग हैं गोवा के वन ऑफ द मेजर अट्रैक्शन आगुड़ा फोर्ट पे। आगुड़ा फोर्ट आने के लिए आपको कैलंगेट से सीधा रास्ता है कैंडोलिम बीच होते हुए, या आप ऊपर की तरफ थोड़ा चढ़ाई करना पड़ता है स्टीप सा, उसके बाद आप फोर्ट पे आ जाओगे। अगर आप गाड़ी से आ रहे हो तो यहाँ पे 100 रुपीज़ की पार्किंग है, राइट हैंड साइड पर पार्किंग है, तो पार्किंग की एज सच कोई इशू नहीं है, पार्किंग ईजिली मिल जाता है। काफ़ी भीड़ होती है यहाँ दिन के टाइम में, काफ़ी गर्मी होती है, तो आप अवॉइड करो दिन के टाइम पे आना। ये देखो दूर से ही आपको दिख रहा होगा आगुड़ा फोर्ट, अभी आपको अंदर से भी दिखाएंगे। टूरिस्टी प्लेस है, काफ़ी ज़्यादा टूरिस्ट है यहाँ पे, फील हो रहा है कहीं पर टूरिस्ट प्लेस पे आए हैं गोवा में। तो ये है सिनारियो अभी का, मार्च का महीना है फिर भी फुल ऑफ टूरिस्ट्स हैं। यहाँ से काफ़ी अच्छा व्यू भी दिखेगा आपको, वो भी दिखाएंगे। हम यहाँ टिकट कटवाने जा रहे हैं, देखते हैं मास्क है बैग में। अब अभी हम टिकट ले चुके हैं, टिकट है दिखा दिया, टिकट है 25 रुपये पर पर्सन, और अगर आपका बच्चा 15 साल से नीचे है तो वो फ्री है। वो बहुत है गाइस, स्किन लिटरली जल रही है, लिटरली स्किन जल रही है। ये मेरे को फोर्ट वोट आना बड़ा बुरा लगता है, क्योंकि यहाँ चलना बहुत पड़ता है, इतना ना चलो यहाँ पे। मेरे को आई लाइक घूमना, लाइक कि जस्ट स्पॉट पे जाके गाड़ी रुके एंड हम घूम लें, ऐसे ही धूप में, वेदर अच्छा हो तब तो मैं चल भी लो, ये जो ऐसे धूप में मेरे को चलना बहुत बेकार लगता है। आई डोंट लाइक धूप में वॉक करना, ये आ रहा है आई लव गोवा गैंग आ रहा है। एक से एक लोग मिलेंगे गाइस आपको गोवा में। द साउथ गोवा एक्सपीरियंस वॉज रियली नाइस, बट नॉर्थ गोवा का एक्सपीरियंस तो मेरा ऐसा सही है। इफ यू आर पीस लवर तो साउथ गोवा इज रियली गुड फॉर यू, एंड अगर आपको पार्टी करनी है, चिल करनी है, शोर शराबा देखना है, भीड़ देखनी है, और आप उस टाइप के इंसान हैं, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि आप कि आपका कोई बच्चा नहीं है, आप अनमैरिड कपल है, तो आपके लिए ऐसी जगह सही है। क्योंकि गाइज मैं इसलिए बोल रही हूँ, बच्चों के साथ बहुत मुश्किल हो जाता है। लाइक मैं आपको कल के एक्सपीरियंस बताती हूँ, वी वर इन नॉर्थ गोवा बाघा बीच, वहाँ पे इतनी ज़्यादा वो रेतों खैर हर बीच पर होते हैं, बट यहाँ वहाँ पे जो रेत थी दैट वुड एक्सट्रीम, पैर अंदर धंस गए, चला नहीं जा रहा था, इतना बुरा हाल था वहाँ पे, इतना ज़्यादा बुरा हाल था वहाँ पे। जैसे जैसे मुश्किल से चले हैं ना हम कल, और अथर्व तो छोटा है उससे तो ज़्यादा एक्सपेक्ट कर भी नहीं सकते कि वो छोटा है कि वो इतना चलेगा, बहुत चलना पड़ता है। 1 किलोमीटर लगभग हम चले थे, वो भी रेत वाले रास्ते में, इतनी ज़्यादा थकान हो गई थी ना वहाँ पे, उसे गोदी में लेके चलना पड़ा था उसे सवेद को, तो वो परेशान हो गया था काफ़ी। अदरवाइज दैट वाज नाइस, ये फोर्ट अच्छा लग रहा है देखने में, धूप बहुत ज़्यादा है, तो लेट्स सी, धूप कुछ ज़्यादा ही हो रही है, बहुत तेज़ हो रही है। ऐसी जगहों पर ना बीच वाली जगहों पर धूप बहुत ज़्यादा ही तेज़ होती है, जैसे जयपुर में 40 फोर्ट थे, वहाँ भी बहुत धूप तेज़ थी, यहाँ भी धूप बहुत तेज़ है। ये ट्रीज भी सूखे पड़े हैं, हवा चल रही है नहीं चल रही है, मतलब कोई पक्का नहीं है कि चलेगी, तो बस यही है। तो जितना हो सके कंफर्टेबल होकर आए, फैशन अपनी जगह, कंफर्ट अपनी जगह। तो ये थोड़ा मुश्किल ही है। लेट्स सी,
सो ये अभी हम फोर्ट के ऊपर पहुंच चुके हैं। ये फोर्ट का टावर है, इसकी हिस्ट्री में आपको बाद में डिटेल्स बताऊंगा। यहाँ पे एक बीच में डोम सा बना हुआ है, शायद यहाँ पे आर्मी को रेडी किया जाता होगा बिफोर एनी प्रोसीडिंग्स। ये देखो काफ़ी बड़ा स्पेस है, कम से कम 2-4 हज़ार आर्मी को रेडी हो जाती होगी। और यहाँ से सी का व्यू है, जहाँ से लोग देखते होंगे कि हाँ कोई आर्मी आया ना है। और वो दूर में आपको जो वाइट दिख रहा है वो शायद गोवा का राजभवन है, इसको हाथ पकड़ लो, वो गोवा का राजभवन है। ये इस रास्ते से आए थे भी हम। नहीं रे